क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर है, लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने जुलाई में भारत के श्रीलंका टूर का भी ऐलान कर दिया था। अब इसमें तय कि जो खिलाड़ी इंग्लैंड गए हैं वो तो नहीं खेलेंगे। विराट के साथ रोहित और रहाणे भी टीम में नहीं होंगे, तो श्रीलंका सीरीज में भारत की टीम नहीं होगी तो कप्तान भी नया देखने को मिलेगा। अब इस बीच श्रीलंका दौरे के लिए शिखर धवन कप्तानी की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे थे, क्योंकि धवन ही वो खिलाड़ी हैं जो बाकी बचे खिलाड़ियों में सबसे सीनियर हैं, सबसे एक्सपीरियंस हैं। और धवन के बाद भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या का भी नाम आ रहा था, मगर इस बीच जबरदस्त उलटफेर हो गया है। अब तक टीम से बाहर चल रहे एक खिलाड़ी को सीधे टीम में एंट्री मिली है, और वो भी बतौर कप्तान, और इसका सीधा सीधा सबूत खुद उसी तूफानी खिलाड़ी ने दे दिया है। तो बताते हैं आपको कौन है वो तूफानी, कैसे मिल गई उसको कप्तानी, और टीम में कौन कौन खिलाड़ी होने जा रहे हैं शामिल। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो अभी मई का महीना चल रहा है और जुलाई में यानी कि करीब डेढ़ महीने बाद श्रीलंका के साथ वनडे और T20 सीरीज शुरू होगी। अब इस सीरीज में भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का बड़ा मौका है, और लगभग भारत की बी टीम ही श्रीलंका जाएगी। लेकिन ये बी टीम किसी भी मायने में किसी बड़ी टीम या फिर किसी इंटरनेशनल टीम से कम नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी दिग्गजों की भरमार होगी। बतौर ओपनर शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और देवदत्त पड्डीकल का चुना जाना तय है। तो वहीं मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे दिग्गज होंगे। वहीं ऑलराउंडर्स में हार्दिक और कुणाल पांड्या होंगे। तो इसके अलावा गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, वरुण चक्रवर्ती, युजवेंद्र चहल और चेतन सकारिया जैसे कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। अब श्रीलंका दौरे में खिलाड़ियों को लेकर तो कई तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी जो हमने आपको बताए उनका चुना जाना तय है, पक्का है। मगर यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती कप्तान को लेकर थी। ऐसे में सभी का यही कहना था, यही मानना था कि शिखर धवन सबसे अनुभवी हैं तो उन्हें ही कप्तान बनाया जाएगा। तो कुछ का कहना था कि भुवनेश्वर कुमार को भी कप्तान बनाया जाना चाहिए, वो भी लंबे समय से खेल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग फ्यूचर के लिहाज से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने की दलील दे रहे थे, मगर यहाँ पर थोड़ा नहीं बल्कि पूरा ही उलटफेर हो गया है। और कप्तान बनने वाला है वो खिलाड़ी जो अब तक टीम के सिनेरियो में ही नहीं था, और वो नाम है श्रेयस अय्यर। जी हाँ, अब तक माना जा रहा था कि अय्यर चोटिल हैं और जुलाई तक श्रीलंका सीरीज तक फिट नहीं हो पाएंगे, लिहाजा श्रेयस अय्यर का कप्तान बनना तो दूर, टीम में चुना जाना भी पक्का नहीं था। मगर अब श्रेयस अय्यर ने खुद दिखाया है कि वो कितने फिट हो चुके हैं। जी हाँ, श्रेयस अय्यर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पहाड़ी के पास रेस लगाते दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अय्यर पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं, और अय्यर ने अपने बाएं कंधे के ऑपरेशन के बाद अपना रिहैब शुरू कर दिया है और अपनी फिटनेस दिखाना भी शुरू कर दिया है। श्रेयस अय्यर को देखकर यही कहा जा सकता है कि उन्हें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और अय्यर जुलाई से पहले जून के आखिरी हफ्ते तक ही फिट हो जाएंगे, और श्रेयस अय्यर के फिट होने पर उन्हें कप्तानी दिया जाना भी तय है। श्रेयस अय्यर पर बीसीसीआई लंबे समय से भरोसा कर रहा है, और अय्यर के साथ ऋषभ पंत को फ्यूचर में लीडरशिप के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब यही दोनों खिलाड़ी युवा हैं और विराट रोहित के बाद इन्हीं को टीम इंडिया को आगे बढ़ाना होगा। लिहाजा अय्यर को यहां पर कप्तानी दी जाएगी और धवन भुवि को मायूस होना पड़ेगा। और वैसे भी आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करके श्रेयस अय्यर ने बड़े मैचों में बड़े दिग्गजों के साथ अपनी कप्तानी का लोहा मनवा लिया है, लिहाजा श्रेयस अय्यर का ही श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम इंडिया का कप्तान बनना तय है। और ऊपर से अय्यर अब तो पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। पीसीआई सूत्रों ने भी बताया था कि बोर्ड अय्यर को कप्तान बनाए जाने पर पहले ही मुहर लगा चुका था, लेकिन इंतजार उनकी फिटनेस का था। अब श्रेयस अय्यर ने खुद अपनी फिटनेस दिखाई है और खुलेआम इसे साबित भी किया है, लिहाजा उनको कप्तानी मिलना कंफर्म हो चुका है। वहीं श्रेयस अय्यर के साथ हार्दिक पांड्या को टीम का उपकप्तान बनाया जा सकता है। पांड्या भी टीम इंडिया के साथ लंबे समय से खेल रहे हैं, तो लिहाजा पांड्या को कप्तान तो नहीं लेकिन हाँ उपकप्तान जरूर बनाया जा सकता है। तो श्रेयस अय्यर की फिटनेस के बाद उन्हें कप्तान बनाना कितना सही फैसला है कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी नजर में कौन होना चाहिए श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया का कप्तान ये भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो रिद्धिमान साहा को इंग्लैंड जाने वाली भारत की टेस्ट टीम में चुना गया है, लेकिन मेन विकेट कीपर नहीं बल्कि ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर। जी हाँ, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बेस्ट विकेट कीपर कहा जाता है वो अब भारतीय टीम का बैकअप विकेट कीपर है।
क्योंकि ऋषभ पंत ने हाल ही में शानदार खेल दिखाया है और न सिर्फ बैटिंग में बल्कि कीपिंग में भी जबरदस्त सुधार किया है और अपनी पोजीशन टीम में पक्की कर ली है। अब ऋषभ पंत के आने से रिद्धिमान साहा, जो कि 2014 से लगातार भारत के मेन टेस्ट विकेट कीपर रहे हैं, वो साइडलाइन हो गए हैं। अब तो आलम यह है कि अगली सीरीज से साहा पूरी तरह से टीम से बाहर भी हो सकते हैं और साहा का भारत के साथ क्रिकेट करियर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अब इस बीच रिद्धिमान साहा ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की और अपने करियर की बर्बादी, देर से मौका मिलने और जल्दी मौके खत्म हो जाने को लेकर खुलकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। रिद्धिमान साहा ने कहा कि वो अभी 37 साल के होने जा रहे हैं और अब इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से उनकी उम्र ज्यादा हो रही है। अभी ऋषभ पंत सिर्फ 23 साल के हैं और पंत पर टीम मैनेजमेंट का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, यही रिद्धिमान साहा ने कहा। साहा ने कहा कि जब वो यंग थे और क्रिकेट में आगे बढ़ रहे थे तो तब उन्हें मौके ही नहीं मिले। साहा ने कहा कि जब वो 20 साल के थे तो तब महेंद्र सिंह धोनी 2014 में टीम इंडिया में चुन लिए गए और धोनी ने उसके बाद 2007 तक बतौर खिलाड़ी टीम में खेला तो उसके बाद टीम के कप्तान बन गए। रिद्धिमान साहा ने आगे कहा कि धोनी की वजह से उन्हें कभी भी अपने पीक टाइम में क्रिकेट खेलने का टीम इंडिया के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि धोनी तीनों ही फॉर्मेट में खेलते थे और अपनी कप्तानी में वो बैकअप विकेट कीपर कभी भी यूज ही नहीं करते थे। रिद्धिमान साहा ने कहा कि जैसा विराट कोहली के दौर में होता है कि टीम में रोटेशन होता है और सभी को मौका मिलता है, सभी खिलाड़ियों को बारी बारी से खेलने के लिए मौके दिए जाते हैं, विकेट कीपर भी बदले जाते हैं, लेकिन धोनी के टाइम में ऐसा नहीं होता था। ऊपर से धोनी की जगह यानी कि विकेट कीपिंग में तो किसी का खेलना संभव ही नहीं था और इसी वजह से मेरे यानी कि साहा के करियर पर बेहद बुरा असर पड़ा। रिद्धिमान साहा ने आगे कहा कि धोनी किसी भी विकेट कीपर को लंबा चांस नहीं देते थे, कभी पार्थिव पटेल, कभी दिनेश कार्तिक, कभी रिद्धिमान साहा या फिर कभी किसी और को मौका मिलता रहा, लेकिन एक विकेट कीपर को लगातार ज्यादा मौके नहीं मिले। साहा ने सीधे सीधे अपने करियर को रोकने के लिए, बर्बाद करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को जिम्मेदार ठहरा दिया। इससे आगे साहा ने कहा कि जब धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो 2014 में मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला, लेकिन धोनी तब भी वनडे और T20 क्रिकेट खेलते रहे और अगले 5 साल मुझे लिमिटेड ओवर गेम खेलने का मौका कभी मिला ही नहीं और मुझ पर टेस्ट खिलाड़ी होने का ठप्पा भी लग गया और इस सब कुछ भी धोनी की वजह से हुआ। साहा ने आगे बताया कि उनके खराब करियर में चोट का भी बड़ा योगदान रहा। साहा ने कहा कि जब वो टीम में परमानेंट सदस्य बन गए थे तो तब उन्हें चोट ने परेशान कर दिया और इस दौरान दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को मौके दिए गए और ऋषभ पंत ने मिले हुए मौकों को भुना लिया और मुझसे टेस्ट टीम का मौका भी छीन लिया और अब तो मुझे अपने टेस्ट क्रिकेट के बारे में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। जी हाँ, यही रिद्धिमान साहा ने अपने क्रिकेट करियर को लेकर कहा। रिद्धिमान साहा ने अपने करियर को बर्बाद करने, देरी करने और खराब करने का सीधा सीधा आरोप पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर लगाया और कहा कि धोनी ने कभी भी किसी विकेट कीपर को आगे नहीं बढ़ाया, बाकी खिलाड़ियों को धोनी मौके देते रहे लेकिन विकेट कीपर को धोनी ने कभी आगे नहीं बढ़ाया और अब तो ऋषभ पंत ने साहा की बची हुई जगह भी छीन ली। वैसे ये भी सच है कि अब 37 साल के होने जा रहे रिद्धिमान साहा के लिए टेस्ट टीम की राह भी बेहद मुश्किल है और हो सकता है कि बहुत जल्दी साहा की टेस्ट टीम से भी पूरी तरह छुट्टी हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड टूर में साहा के अलावा KS भरत को भी बतौर बैकअप विकेट कीपर चुना गया है और भरत को पंत के बाद विकेट कीपर के तौर पर तैयार किया जा रहा है और रिद्धिमान साहा का पूरी तरह से बैकअप समझ लीजिए और साहा ने इसके लिए धोनी को जिम्मेदार ठहराया है। तो साहा के धोनी पर लगे आरोपों से आप कितना सहमत हैं? साहा को अब मौका मिलना चाहिए नहीं? साहा और धोनी को लेकर आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।